आप देख रहे होंगे कि शोभा यात्रा को किस तरीके से बारिश ने डिस्टर्ब कर दिया है। और हे गाइस, वेलकम बैक टू निधि राठौर्स ब्लॉग। आप सभी को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम लोग अभी पूरे भारतवासी मिलकर 15 अगस्त के 75वें इस स्वतंत्रता को मना रहे हैं। इस सफर में हम लोग यहाँ पे हैं और अभी हम लोग पहुँच चुके हैं लक्ष्मी चौक पे। लक्ष्मी चौक मुजफ्फरपुर का एक हिस्सा, जहाँ से अभी एक शोभा यात्रा निकाली जा रही है। स्वतंत्रता दिवस पे शोभा यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें हम लोग शामिल हो रहे हैं। तो बने रहिए इस ब्लॉग में, आगे कंटिन्यू करते हैं और आप सभी को दिखाते हैं ये शोभा यात्रा, जो कि लक्ष्मी चौक से मुजफ्फरपुर टावर की तरफ जाने वाली है। और यहाँ पे बहुत सारे भाई बंधु पहुँच चुके हैं और ये शोभा यात्रा जस्ट निकलने वाली है। तो बने रहिए इस ब्लॉग में, आगे कंटिन्यू करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त नीतीश राठौर। और रैली को अभी शुरू किया जा रहा है और यहाँ पे लगभग 300-400 से ज़्यादा युवा जनता मौजूद है। जितने भी युवा हैं इस टाउन के, ब्रह्मपुरा जोन से काफ़ी ज़्यादा लड़के हैं यहाँ पर। और ये जो रैली है, इसको टावर की तरफ निकाला जाएगा। तो इससे पहले जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, सभी लोग अपने अपने बाइक में पेट्रोल डलवा रहे हैं और इस शोभा यात्रा को बड़ा बनाने में मदद कर रहे हैं। यहाँ पर अभी मैं आपको बता दूँ कि बहुत सारे लोग खड़े हैं। ऑलमोस्ट इधर जो आप पैच देख रहे हैं, पेट्रोल पम्प के साइड सैकड़ों बच्चे खड़े हैं, जो हमारी उम्र के भी हैं, हमसे छोटे भी हैं। कुछ सीनियर्स भी हैं जो इस चीज़ को मैनेज कर रहे हैं। और आगे की तरफ अगर देखेंगे तो जो लक्ष्मी मंदिर है, वहाँ पे भी बहुत सारे लोग खड़े हैं, जो कि पेट्रोल गाड़ी में डलवाने के बाद इस यात्रा को बढ़ाया जाएगा। और हम इस यात्रा में आपके साथ रहेंगे और आपको दिखाते रहेंगे कि यात्रा कितनी बेहद खूबसूरत बनाई जा रही है। हजार ऐसे युवा जो है भारत की, वो मुजफ्फरपुर शहर के युवा हजारों की संख्या में यहाँ पे पहुँच चुके हैं और इस शोभा यात्रा को साथ दे रहे हैं। ये एक लंबा चौड़ा पैच जो है कि अभी आपको पीछे दिखाई देगा, काफ़ी लंबा चौड़ा पैच है। और यहाँ पे आपको सैकड़ों लोग इस तरीके से दिखाई देंगे इस शोभा यात्रा को बढ़िया बना रहे हैं। इस बीच बारिश आ गई है और देखिए शोभा यात्रा किस तरीके से डिस्टर्ब ना हो जाए। बारिश आ रही है, बारिश होनी शुरू हो गई है और ये शोभा यात्रा किसी न किसी कारण से डिस्टर्ब हो सकता है। ये शोभा यात्रा के बीच में बारिश का माहौल, लेकिन ये शोभा यात्रा जो है ये बंद नहीं होगी और लोग यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं। शोभा यात्रा कहीं ना कहीं थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई है भीड़ की वजह से। शोभा यात्रा देख रहे हैं, इस बीच बारिश के बीच शोभा यात्रा जो है बारिश के बीच कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो गई है। यहाँ आप देख रहे होंगे कि शोभा यात्रा को किस तरीके से बारिश ने डिस्टर्ब कर दिया है। और आप ढूंढ रहे होंगे कि आपका ब्लॉगर कहाँ गया, तो मैं साइड में छिपा हुआ हूँ, लेकिन ये वायरस माइक होने की वजह से आप सभी से देख सकते हैं किस तरीके से ये जो शोभा यात्रा जो है वो बिल्कुल स्थगित कर दी गई है। और देख रहे हैं इस बीच नीतीश राठौर ब्लॉग्स की बाइक जो है, मेरी गाड़ी कल ही धुलवाए थे, फिर आज धुल रही है और इस बीच बारिश इतनी करीब से हो रही है कि फिर से भीगना स्टार्ट हो चुका है। और इस शोभा यात्रा जो है काफी गंदे तरीके से डिस्टर्ब हो गई है, लेकिन ठीक है, इस शोभा यात्रा में इतना ही। तो चलिए 15 अगस्त की रैली का इस ब्लॉग को जो है हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। चैनल पे अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, इनके से अगर कोई सवाल हो तो इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।